हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नए इम्पोर्टेंट वीडियो में। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस आईपीओ के रिलेटेड, और आईपीओ मेन वर्ड आईपीओ की जिस तरीके से आप सभी का इंतज़ार था वो इंतज़ार खत्म होते हुए आज के डेट में देखने को मिल चुकी है, क्योंकि शर्मा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड की जो आईपीओ की प्राइस बैंड होनी चाहिए और ग्रे मार्केट प्रीमियम, इन सभी को कंपनी के बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल के साथ समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी के रिलेटेड हम लोग बात करें तो शर्मा SGS टेक्नोलॉजी आईपीओ, इस आईपीओ की कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी मेनली किस तरीके से काम आपको करती हुई देखने को मिलती है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे स्पेशलाइजिंग प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग फॉर ऑटोमेटिव, यानी कि ऑटोमेटिव सेक्टर से जुड़ी जो प्रोडक्ट्स होती है वो कंपनी बनाती है, और जो भी प्रोडक्ट्स या कंपनी बनाती है, कंज्यूमर हो गई, इंडस्ट्रियल हो गई प्रोडक्ट्स, और हेल्थ केयर, IT और रेलवे, इन सभी में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको यूज़ होते हुए देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कंपनी के रिलेटेड बात करें तो कंपनी के बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिली, वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी की सर्विस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इन सभी सेक्टर में जो सर्विस कंपनी प्रोवाइड कराती है, तो किस सेक्टर से ज़्यादा कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है और किस सेक्टर से कम रेवेन्यू जनरेट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू की बात कर परसेंटेज वाइज, तो ऑपरेशनल रेवेन्यू कंपनी के द्वारा इंडस्ट्रियल जो कि सर्विस प्रोवाइड करा के कंपनी 34.8%, लगभग 35% कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है इंडस्ट्रियल सर्विस प्रोवाइड करा के। कंज्यूमर बेस कंपनी सर्विस प्रोवाइड करा कर 20%, यहाँ पर लगभग 20% के आसपास कंपनी अपने रेवेन्यू जनरेट करती है। ऑटोमेटिव सेक्टर से 20% ही कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती हुई देखी जा रही है। हेल्थ केयर लिमिटेड बात करें तो हेल्थ केयर में भी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है वहाँ से रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है 12.8, लगभग 13% की। 10% जो कि कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है IT सेक्टर में अपने सर्विस को प्रोवाइड करवा के, और रेलवे से 2% की रेवेन्यू जनरेट करती हुई देखने को मिलती है अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से। कंपनी की ऑपरेशन यहाँ पर ऑपरेट करती है 6 सेगमेंट में, और 6 सेगमेंट में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कंपनी बनाकर सर्विस जो प्रोवाइड कराती है उससे रेवेन्यू जनरेट होती है। देन यहाँ पे सबसे कम रेलवे से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है, फर्स्ट प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे प्रिंटेड जो कि सर्किट बोर्ड असेंबल करती है कंपनी, तो किस तरीके की कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, तो इस तरीके की कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको बनाती हुई देखने को मिलती है। जो चाइना बेस्ड आपको कंपनी चाइना से मंगाई हुई देखने को मिलती थी पहले, अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके और कंपनी यहाँ पे इस तरीके का प्रोडक्ट्स बनाती हुई देखी जा रही है। सेकेंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे RFID कंपनी बनाती है फ्रिक्वेंसी कैप्चर करने के लिए, मोबाइल हो गया, TV हो गया, इन सभी में कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको यूज होते हुए देखने को मिलता है, ATM हो गई, तो इस कंपनी के द्वारा यह प्रोडक्ट्स बनाई जाती है जो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहने वाली है इस प्रोडक्ट्स के बीच, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हर सेगमेंट में उसके अनुसार से। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो कि कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे देखा जाए तो कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है, जो आने वाले समय में और कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है उसमें इस तरीके के प्रोडक्ट्स की डिमांड आपको बढ़ने वाली है। साथ ही साथ मेन प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे मॉड्यूल्स जो होगी 5G टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराती हुई देखने को मिलेगी, जो एक पॉजिटिव पॉइंट्स रहती है, और अदर कई सारे प्रोडक्ट्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। सो यहाँ पे टाइपिंग आपको मिस्टेक देखने को मिलेगी, SYRMA होना चाहिए, वैसे सभी जगह यहाँ पे SHYRMA लिखा गया हुआ है, तो यहाँ पे SYRMA होना चाहिए, जो कि आप लोग शर्मा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेजर कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे मेजर कंज्यूमर में आपको देखने को मिल रही है TVS मोटर कंपनी को, यह कंपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गई, साथ ही साथ देखा जाए तो यूरेका फोर्ब्स हो गई, और AO स्मिथ इंडिया वाटर प्रोडक्ट्स, और टोटल पावर यूरोप की बात करें वो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। कई सारे जो मेजर कंपनियाँ हैं उसको यह कंपनी सर्विस प्रोवाइड कराती हुई अपने देखने को मिलती है। एस्टेब्लिश ब्रांड और कंपनी को एक इस कंपनी के द्वारा अपने सर्विस से यहाँ पर कैप्चर करते हुए देखने को मिल रही है, तो कंपनी की काफ़ी अच्छे ग्रोथ और पोटेंशियल है जो आने वाले समय में कंपनी के लिए हेल्पफुल होने वाली है, और कंपनी के रिलेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन सभी कंपनी के साथ अभी
के कोडिंग देखने को मिल रही है और आने वाले समय में इस कंपनी की काफ़ी अच्छे खासे कस्टमर बेस भी बढ़ने वाली है। शर्मा एस सी एस टेक्नोलॉजी IPO की जो कंपनी प्रोफाइल है उसकी बात करें तो यह कंपनी जो EV बैटरी होगी है उसको कंट्रोलर जो होती है वो भी कंपनी बनाती हुई देखने को मिल रही है। 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया इन दोनों जगह। कंपनी के रिलेटेड देखा जाए तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर भी है जो कंपनी प्रोडक्ट्स भी बनाती है, साथ ही साथ कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो कितने कंट्री में सेल किया जाता है तो 19 कंट्री में सेल होती है। USA हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, UK हो गया, इन सभी जगह कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको सेल होते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके से चाइना एग्रेशन सभी जगह दिखा रही है और चाइना के प्रोडक्ट्स को वाइप अप करने की कोशिश हो रही है, वो इंडियन मार्केट और इंडियन प्रोडक्ट्स यहाँ पे कैप्चर यदि करती है और जिस तरीके के यहाँ पे प्रेजेंस भी इस कंपनी के देखने को मिल रही है, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी की जो 55% है रेवेन्यू की बात करें तो एक्सपोर्ट करके कंपनी ला रही है। लगभग देखा जाए तो एक्सपोर्ट 55% कंपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कर रही है। कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें वो भी काफ़ी अच्छी है और जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही है इस कंपनी की। शर्मा एसेट टेक्नोलॉजी लिमिटेड को गवर्नमेंट की सपोर्ट क्या मिल रही है? तो गवर्नमेंट की सपोर्ट मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट्स है और आत्मनिर्भर यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही है, इससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है और हेल्प आने वाले समय में भी मिलते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स इस तरीके के बाहर से मंगाई जा रही है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, जिसके कारण से इंडियन कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होती है वो सस्ते में इंडियन कंज्यूमर के द्वारा यूज़ की जा रही है, जो आने वाले समय में काफ़ी अच्छे ग्रोथ और पोटेंशियल के लिए हेल्पफुल। कंपनी के कुछ और ऑब्जेक्टिव क्या है इस कंपनी की IPO लाने की? तो ऑब्जेक्टिव आपको जो दिख रही है वो कंपनी कैपिटल जो कि एक्सपेंडिचर होगी और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी 403 करोड़ जो 766 करोड़ की टोटल ऑफर फॉर सेल की बात करें तो यहाँ पे फ्रेश इशू 766 करोड़ की होने वाली है और 74 करोड़ की आपको होने वाली है कितनी ऑफर फॉर सेल, टोटल इशू साइज की बात करें तो 840 करोड़ की। सो रेस्ट ऑफ ज़्यादातर अमाउंट है वो यहाँ पे देखने को मिली फ्रेश इशू। कंपनी की बात करें तो ज़्यादातर जो अमाउंट्स है वो कंपनी 403 करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाने के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 132 करोड़ की यूज़ करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए 231 करोड़ यहाँ पे पैसा यूज़ किया जाएगा। तो ओवरऑल कंपनी की बात करें तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छी दिख रही है। फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करें तो फाइनेंशियली कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंसिस्टेंट वे में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, पहले 357 थी वो आपको बढ़कर 400 देने यहाँ पर 445, अब 655 करोड़ की कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। एसेट की बात करें तो 285 से कंपनी का एसेट बढ़कर 915 करोड़ की देखने को मिली। टोटल बोरोइंग की बात करें तो थोड़ी सी आपको बोरोइंग बढ़ते हुए देखने को मिला है 133 करोड़ की, जो कि डेट इक्विटी के अनुसार से अभी भी काफ़ी कंट्रोल में कंपनी के पास डेट है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बढ़कर 30 करोड़ की हो चुकी है, लेकिन 2020 में जिस तरीके से कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया था वो अभी तक रिपीट होते हुए नहीं देखने को मिला। यदि रिपीट कर देती है तो एज ए शेयर होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पीयर कंपिटीटर डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गई और अंबर इंटरप्राइज इस कंपनी की है देखने को मिल रही है। प्राइस टर्निंग डिक्सन की बात करें 119 पे और अंबर इंटरप्राइज की बात करें 69 की, और इस कंपनी का प्राइस टर्निंग जो इश्यू प्राइस रखा गया वो 220 उसके अनुसार से 42 के प्राइस टर्निंग पर कंपनी के प्राइस निकलते हुए देखने को मिल रही है। तो अंडर वैल्यूड पीयर कंपिटीटर से लग रही है और आने वाले समय में कंपनी अच्छे रिटर्न्स देती हुई देखने को मिलेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अंबर इंटरप्राइज से अच्छी दिख रही है और थोड़ी सी आपको कम डेक्सॉन टेक्नोलॉजी से देखने जा रही है। IPO डिटेल्स की बात करें तो IPO डिटेल्स आप सभी को पता है कि इस कंपनी के कट ऑफ प्राइस 222 पर आपको अप्लाई करना है और टोटल 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,960 रुपये चाहिए। मिनिमम 1 लॉट एक डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, 13 लॉट मैक्सिमम एक डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करें ताकि अलॉटमेंट चांस आपके बढ़ सके। अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करवाए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और कमेंट सेक्शन में फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा कर आने वाले अच्छे IPO में अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते। फर्दर आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है ये डेट यहाँ पर दी गई हुई है। कंपनी के रिलेटेड बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 28 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12.7% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है और 248 रुपये इसके कंपनी का लिस्टिंग प्राइस हो सकती है। आने वाले समय में जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम और इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेगा। वैसे इस कंपनी के रिलेटेड बात करें तो डे बाई डे ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिलेटेड अपडेट शाम के एक वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिए जाएंगे। सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों को अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फर्दर अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। सो मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।